लंच या डिनर में कुछ हैवी खाने का मन ना हो तो ये बनाइए, लाइट हेल्दी ओट्स वेजिटेबल सूप हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कांति जी जी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स वेजिटेबल सूप। पेट भरा भरा लगता है, खाने में कुछ लाइट खाने की इच्छा हो रही है, तो ओट्स वेजिटेबल सूप एक अच्छा ऑप्शन है जो हेल्दी भी है और फाइबर और बहुत सारे इसमें सब्जियों का न्यूट्रिशंस भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज डालेंगे, प्याज का हरा वाला सफेद वाला पार्ट भी है, मिक्स कर लेंगे। प्याज को हल्का सा भून लेंगे। प्याज हल्का भून चुका है, अब इसमें हम मिक्स सब्जियों को डाल देंगे। कटी हुई मेरे पास सारे तरह की सब्जियां हैं, बीन्स है, मटर है, कॉर्न है, गाजर है। इसको हमने गरम पानी में डाल करके थोड़े देर पका लिया है जिससे कि सब्जियां जल्दी पके। अब सब्जियों को 2 मिनट भून लेंगे। इसी में शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ढेर सारी सब्जियों के साथ ये ओट्स सूप बन रहा है। जब भी हम रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं तो खाना ऑर्डर करने से पहले सूप ऑर्डर करते हैं। सूप हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और भूख को भी बढ़ाता है। सब्जियां आप अपने मन पसंद के ले सकते हैं। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। तो सब्जी हमारा 2 मिनट भून चुका है, अब इसमें हम आधा कप ओट्स डालेंगे। 1 मिनट तक भूनेंगे। ओट्स भी भून चुका है, पानी ऐड करेंगे क्योंकि सूप को पतला बनाना है। अब ओट्स और सब्जियों को 10 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहें तो इसमें पास्ता या नूडल्स ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें पास्ता नूडल्स नहीं ऐड किया है। तो 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां अभी भी क्रंची है, तो थोड़े देर और पकने देंगे। ओवर कुक नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा और पक जाए। इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ओट्स वेजिटेबल सूप बन के तैयार है। सूप अब गाढ़ी हो चुकी है, तो गैस बंद कर देंगे। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे पेट भी भरेगा और सारे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। तो है ना ये बहुत बढ़िया ओट्स सूप। तो फिर देर किस बात की, आप लोग भी जल्दी से बनाइए और खाइए और खिलाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।